आपने अक्सर ही सुना होगा कि फिल्में देखने से या फिर क्राइम शोज देखने से आम इंसान को क्राइम करने की प्रेरणा मिलती है। आपने ये बातें सुनी होंगी और नए नए तरीके मिलते हैं कि हम कैसे कत्ल कर सकते हैं, पर ये बात आज सच होती नजर आ रही है क्योंकि दृश्यम मूवी के अंदाज में कत्ल हुआ है। दृश्यम आप सभी ने देखी होगी, क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज का द क्राइम शो। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। एक लड़की जो कि स्कूल में, सरकारी स्कूल में संविदा पर शिक्षिका थी, 13 सितंबर को वो अपने स्कूल से हर रोज की तरह जैसे रोज निकलती थी वो वैसे निकली, पर इस बार थोड़ी अजीब बात ये थी कि वो रोज़ निकलती थी पर घर पहुंचती थी, आज वो घर नहीं पहुंची। अब अगर बेटी घर ना पहुंचे, एक घंटा दो घंटा कुछ समय बीतता है, तब तक घर वाले परेशान होने लग जाते हैं। अब घर वालों ने अपनी बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई, पर एक दो तीन दिन बीत गए पर बेटी का कुछ भी पता नहीं चला। अब तीन दिन बाद एक खबर आती है गांव से, गांव के पास एक जंगल था और गांव का मतलब रितुआ एक छोटा सा गांव है, उसके पास जंगल था और वहां के लोगों ने पुलिस को बताया कि एक लड़की की लाश मिली है। पुलिस वहां पहुंची अपनी पूरी टीम के साथ और उस लाश की जो हालत थी वो बयान भी नहीं कर सकते, मतलब आसपास खून, सिर्फ और सिर्फ खून, और उस लाश में तीन दिन हो चुके थे, लाश की जो बदबू थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। और आपको साथ में ये भी बता दें कि उसी वक्त पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि ये कत्ल एक धारदार हथियार से हुआ है और साथ ही में चेहरे को पत्थर से कुचला गया है। बेरहमी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। अब क्योंकि गुमशुदी के नाम में, गुमशुदी की जो लिस्ट थी उसमें खुशबू झारिया ये नाम था, दरअसल मृतका का उनका भी नाम था, तो उनके परिवार को बुलाया गया और परिवार वालों ने अपनी बेटी को पहचान लिया। अब क्या होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, पर कातिल हद से ज़्यादा शातिर, उसे पकड़ा कैसे जाए। इस बार पुलिस के लिए सब इतना आसान नहीं था, काफी मुश्किल था। उन्हें एक खून से लथपथ शर्ट मिली थी, एक आदमी की शर्ट, पर उसके बारे में कुछ खास मालूम था ही नहीं। पर जब पता करने पे चला ये सिलसिला तो पता ये चला कि खुशबू का बॉयफ्रेंड था जो उससे बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, पर खुशबू शादी करने से लगातार इनकार कर रही थी। दरअसल बताया ये गया है कि जो कातिल है उसको चर्म रोग था और ये बात खुशबू ने बाद में जानी और खुशबू को बाद में वो चर्म रोग दिखा, तो खुशबू अब इस बात से इनकार करने लगी कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है और मुझे अब तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है। ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। अब जब ये बात बर्दाश्त नहीं हुई तो कातिल ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। कत्ल सबसे आसान चीज है, कत्ल करते हैं, पर दिमाग देखिएगा कि पिक्चर की पूरी सीन लिख डाली, मतलब अगर इसके ऊपर हम कोई पिक्चर बनाएं तो वो शायद सुपर हिट हो जाए। खुशबू से बोला एकदम रोमांटिक स्टाइल में कि मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूं, बस आखिरी बार। खुशबू भी बातों में बह गई और उससे आखिरी बार मिलने चली गई। पर आखिरी बार मिलने वाली बात से पहले उसने कहा कि जिस दिन हम मिलेंगे उस दिन एक भी फोन कॉल नहीं होगा। बात को देखिएगा कि एक भी फोन कॉल नहीं होगा, ताकि पुलिस पकड़ ना सके कि खुशबू गई कहां थी। स्कूल के बाद जो कातिल था वो खुशबू को अपने साथ ले जाता है,
एक होटल में रुकता है जैसा कि पूरा प्लान था, और उसके बाद बाइक पर बैठाता है और रितुआ के जंगल के पास लेकर चला जाता है। वहाँ पर फिर वही बात, एक प्रेमी होने के नाते कहते हैं ना, आखिरी बार पूछने की कोशिश की, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। तो रितु ने हर बार की तरह इस बार भी इनकार कर दिया। अब जब इनकार हुआ, वो बात फिर से कातिल को बर्दाश्त नहीं हुई और कातिल ने रितु को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। यहीं पर नहीं रुका, उसके चेहरे को पत्थर से कुचल कर उसे पहचान लायक भी नहीं छोड़ा। जब उसका जो शर्ट था वो खून से लथपथ हो गया, फिर उस शर्ट को, मतलब प्री प्लान्ड किस हद तक था ये सोचिएगा कि उस शर्ट को वहाँ पर बदला, उससे थोड़ा सा आगे जाकर, डेड बॉडी से थोड़ा सा आगे जाकर उस शर्ट को वहाँ बदला, नई शर्ट पहनी और चला गया। अब ये मामला इतना आसान नहीं था, पर कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। भले ही कानून की आंखों पर पट्टी हो, पर तराजू पर सब बराबर लगता है। बात कुछ वैसी हुई कि यहां पर कातिल पकड़ा गया और अब वो गिरफ्तार भी हो गया। ऋतु मध्य प्रदेश के पन्ना में रहने वाली, मंडला एक कस्बा है, वहाँ की रहने वाली एक नॉर्मल सी लड़की थी जो अभी संविदा पर शिक्षिका बनी थी, नई नई एक महीने पहले की नौकरी थी, और ये सब कुछ उसके साथ हो गया। उसकी ज़िंदगी शायद खुशहाल होने ही जा रही थी, पर सब कुछ तबाह हो गया। उसकी ज़िंदगी की जो डायरी थी वो पूरी की पूरी लाल रंगों से रंग दी गई। फिलहाल के लिए इस कहानी पर आप क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और देखते रहें वीके न्यूज़ का द क्राइम शो। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।